पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। क्या हुआ पंता जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ये गले में खराश लग रही है। संता जी आइए, रखिए, उठिए, जरा बाहर आइए। क्या हुआ? आइए आइए बता दूं। संता जी समझते नहीं आप, आज हमारी शादी हुई है, कब से इशारा कर रहा हूँ कि बाहर जाओ ताकि मुझे और सुधा को थोड़ा एकांत मिल जाए। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो हमेशा आप ही के साथ रहा हूँ पंता जी। नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। संता जी नहीं, आप हमेशा की तरह खुलकनी वाड़े में रहेंगे और वही सोएंगे। अगर वाड़े गया तो सरकार 100 सवाल पूछ के मेरी जान खा जाएंगे। तो फिर बाहर बिस्तर लगाएंगे, सो जाइए। नहीं नहीं पंता जी, बाहर तो बहुत ठंड है, मैं तो यहीं रहूंगा पंता जी। मैंने कहा ना बाहर जाइए। मैंने कहा ना मैं यहीं रहूंगा। संता जी भला इस तरह कोई बात करता है अपने मालिक से? ये तो इतने नर्म स्वभाव के हैं, नौकर मालिक का फर्क भी नहीं करते। उस दिन तो ये आपसे माफी भी मांग रहे थे आपको मनाने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकी भलाई का फायदा उठाएं। कहीं संता जी ने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बक दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं नहीं सुधा, मैं संता जी को समझाता हूँ। संता जी चलिए बाहर चलिए, एक जरूरी बात करनी है। चलिए। संता जी समझ क्यों नहीं रहे आप, आज मेरी शादी हुई है। तो मेरा ढोल क्यों बजा रहे हैं पंता जी? संता जी आप गलत सोच रहे हैं, शादी के बाद लोग मुझे अलग नजर से देखने लग जाएंगे। ढूंढने की जगह अब मुझे एक पारिवारिक सामाजिक आदमी की तरह देखा जाएगा। और आप मेरे दोस्त तो आपको भी लोग अलग नजर से देखेंगे। आपको भी जल्दी एक सुंदर सुशील पत्नी मिल जाएगी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।